देखो, आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर अपील। अपील में से भी क्वेश्चन आते हैं, अपील शुरू करेंगे आज। तो अपील पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप लोग वैसे समझ लें। देखो, पहले कोर्ट्स को समझो, है ना। कोर्ट्स को समझो, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के संबंध में, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसी में अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसी के साथ में एसीजेएम है, ठीक, और उसी के साथ में सीजेएम है। ये सारे के सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही हैं, चाहे जेएम हो चाहे इसके अलावा। ये राजस्थान में इसी कैटेगरी के मजिस्ट्रेट्स हैं, राजस्थान में इसी कैटेगरी के मजिस्ट्रेट्स हैं। मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो राजस्थान में है ही नहीं, लेकिन किसी स्टेट में तो है, अदर स्टेट में है, सीआरपीसी में प्रोसीजर है, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वाला क्वेश्चन ये लोग पूछते ही नहीं है, क्योंकि ना तो इनके यहाँ है और ना ये लोग पूछते हैं। तो सीजेएम, एसीजेएम और जेएम, तो ये जो कोर्ट्स हैं, ये एक कैटेगरी की कोर्ट्स हैं। लेकिन हाँ, इनके ट्रायल करने के तरीके और सजा के तरीकों में अंतर है। जैसे इसका और इसका तो एक ही है, क्योंकि सीजेएम सीजेएम इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और वो सुनवाई भी करता है। जितने भी एसीजेएम हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सब के। और जेएम जेएम 3 साल तक की सजा है, और बहुत सारे केसेस। चलो, कम टू द पॉइंट। तो जो कमिश्नर व्यवस्था है, तो पावर किनकी दे रखी है? इनकी किनकी पावर दे रखी है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो जो कमिश्नर्स को जो पावर दे रखी है, तो वो पावर किसकी है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होगी, तो जो पावर्स दे दे आर एंटरटेनिंग, ही विल अप्लाई इट। ये उसी पावर की, उसी शक्ति का, जिनका ये उपयोग कर रहे थे, ये भी उसी का उपयोग करेगा। इसी के नीचे चले गए एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। तो असिस्टेंट कमिश्नर, समझ में आ गए? तो जो अब ये पावर किनके पास चली गई? कोई आदमी कहता है कि मैं नॉर्थ में डीसीपी लगा हुआ हूं, वो डीवाई एसपी नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? वो डीसीपी कह रहा है तो वो डीवाई एसपी, लेकिन वो क्यों कह रहा है डीवाई डीसीपी? वो कह रहा है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या कह रहा है वो अपने आप को? क्योंकि वो मेट्रो लगा हुआ है, इसलिए वो अपने आप को डीसीपी कह रहा है। ऐसे ही मान लो कमिश्नरेट की स्थिति है, मेट्रो बना हुआ है, तो ये सारे के सारे कहाँ क्या कहलाएंगे? ये सब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए, असिस्टेंट सेशन जज को छोड़ के। असिस्टेंट सेशन जज हमारे यहाँ है ही नहीं, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये कौन हो गए? सब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, वो सीएमएम हो गया, एसीएमएम हो गया, तो ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है। यहां से ये इनके पास से पावर हटके इनके पास आ गई मेट्रो में। तो मान लो जैसे किसी ने शांति भंग का अपराध किया। किसका अपराध किया? जयपुर में किया। तो जयपुर में पेश उसे एसडीएम के यहां नहीं करेंगे,
उसको पेश किसके पास करेंगे, एसीपी या डीसीपी के पास करेंगे, उसकी अपनी एक कोर्ट होगी, क्या होगी, कोर्ट होगी, कोर्ट में कोर्ट की तरह ही बैठा होगा, वहां उसको पेश करेंगे, पेश करने के बाद उसके अपने बॉन्ड्स पर, अपने मुचलकों पर, अपने बॉन्ड्स पर उसे रिलीज भी कर देंगे, वो उससे बॉन्ड भरवा लेंगे जी आगे गलती नहीं करूंगा, आगे ऐसी शांति भंग नहीं करूंगा। तो ये सब वो कहता रहता है, लेकिन पेश किसके सामने कर रहे हैं, इसके सामने। तो ये जो लोग हैं कौन से वाले हैं, ये प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं, निवारक कार्य कर रहे हैं। कौन से कार्य, मतलब होने से पहले की क्रिया कर रहे हैं। अपराध होने से पूर्व, ठीक है, अब अपराध होने से पूर्व कर रहे हैं तो ये भी कुछ करते होंगे ना। जैसे मान लो किसी, अब हम इसको थोड़ी देर साइलेंट रखिएगा, ये आपको सिर्फ समझाने योग्य। सबके समझ में आ गई। तो हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने की, और आरएएस वाले किसकी करते हैं, आईएएस वाले किसकी करते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनने की, ठीक है। ये अपराध होने से पहले रोकते हैं, ये अपराध हो जाता है तो पनिश करते हैं, अपराध होने के बाद दंडित करते हैं, ये लोगों को अपराध होने से पहले रोकते हैं, ठीक। इनके ऊपर हाई कोर्ट है, कौन है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनमें एक तो चीफ जस्टिस, तो जो यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, एक तरह से आप कह सकते हो सीजेआर, क्या कह सकते हो, जैसे सीजेआई होते हैं इंडिया, ऐसे ही सीजेआर बोल सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, वैसे बोलते नहीं है सीजेआर, कोई बोलता नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान तो बोलते हैं। ये सामान्यतः है, और बल्कि मोस्टली, सामान्यतः न करके मोस्टली, जनरली नहीं, मोस्टली, ये जो व्यक्ति होता है चीफ जस्टिस जो भी बनता है वो अन्य स्टेट के व्यक्ति को बनाया जाता है, दूसरे स्टेट का जो जज होता है उसको बनाया जाता है, सेम स्टेट का जज कुछ दिन के लिए ही रह सकता है एक्टिंग जज, जैसे भैया मीणा साहब रहे यहां, बाद में वो गुजरात चीफ जस्टिस रहे, यहां कुछ दिन रहे फिर गुजरात चले गए। हाई कोर्ट में बेंच सिस्टम है, जहां दो जज बैठते हैं वो डीबी, जहां तीन जज बैठते हैं वो लार्जर बेंच एलबी, जहां फिर पांच जज बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और जब सारे जज बैठ के करते हैं तो उसे फुल बोलते हैं, फुल बेंच। तो हाई कोर्ट में इस तरह की व्यवस्था है। तो जिनके क्रिमिनल रोस्टर होता है, रोस्टर का मतलब, रोस्टर का मतलब है नंबर, जैसे मान लो मैं क्रिमिनल रोस्टर पे बैठा हूं तो फिर मेरे सामने क्रिमिनल के केसेस कौन से आएंगे, एक तो वो आएंगे जो मेरी जमानत वाले, तो चूंकि क्रिमिनल में ज्यादा केसेस आते हैं तो एक को क्रिमिनल रोस्टर दे दिया, एक को क्रिमिनल अपील्स दे दिया, तो अपील वाले सारे केसेस उनके चले गए और जमानत वाले वो सुन रहे हैं, एक को मिसलेनियस रिट्स दे दी तो मिसलेनियस जितने आ रहे हैं उनके सुनवाई कर रहे हैं, एक को मान लो सिविल अपील्स दे दी तो वो कर रहे हैं, एक को दूसरा दे दिया, तो अलग 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 रोस्टर के आधार पर जजेस काम करते हैं।
ठीक है, ये हाई कोर्ट की व्यवस्था है। तो हमें जो अपील में सुनना है वो इन्हीं के संबंध में है। तो मैंने जानबूझ के पहले कोर्ट्स को लिया, मैं सीधे अपील पर पहुंचता तो हो सकता था आपके समझ में कम आता। तो क्या समझ में आई कि इन की अपील्स इनके होती है और इनकी अपील्स इनकी होती है, ये एक सामान्य सिद्धांत है। लेकिन मान लो किसी को 7 साल या 7 साल से ज्यादा सजा दी, जैसे इसने कहा 14 साल, कितनी सजा दी है, तो 14 साल की सजा दी है ना, तो अपील एक तरह से यहां होनी चाहिए, है ना। तो फिर ये यहां होकर सीधी कर दी, भाई ऐसा क्या है जिसमें 14 साल की सजा दी है, तो फिर अपील में कहां चले गए, सीधे चले गए। या 7 साल की दी है, क्योंकि यहां 7 साल थे तो भी इनको सीधे कर दिया इधर। या मान लो जैसे ए बी सी डी चार आदमी है, ए बी सी डी, इनको तो दी 3-3 साल की सजा और इसको पूरी 7 साल दी, तो ये भी अपील में यहां चला जाएगा, चाहे 3 साल की ही सजा है। समझ में आया कुछ आपको, आया? तो एक तरह से क्या है कि या तो ज्यादा सजा 7 साल सजा दे दी हो, या किसी अन्य व्यक्ति को उसी मामले में 7 साल की सजा दे दी हो, तो दूसरा जिसको कम सजा दी है वो भी अपील में चला जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोविजंस वाली बात है जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी आपने एक सामान्य सिद्धांत देखा कि ये तो हमारी कोर्ट्स हैं, क्या देखा, एक तो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं जिन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स बोलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स की मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं जो प्रिवेंशन का काम करती हैं ऑफेंस के, और जो ये ऑफेंस हो जाता है तो उसके बाद पनिशमेंट देती हैं, और ये कोर्ट ऐसी हैं जो अपील वाली शक्ति भी रखती हैं और ट्रायल की भी रखती हैं। इनके पास सिर्फ ट्रायल की पावर है, इनके पास सिर्फ डिटेंशन की पावर है, या तो प्रतिभूति दे दो, ट्रायल वगैरह नहीं होती इनके, इनके कोई ट्रायल। ये समझ में आ गया क्या सब, ये सीआरपीसी के फर्स्ट फेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन आप पढ़ाएंगे तो वो बहुत तेजी से समझ में भी आ जाएगा। मैंने आपको 154 से पढ़ाया, हटा दूं मैं अब आपको, अब देखो अपील में, अब आप नोट्स निकाल लो और बेरेट निकाल लो, एक बार बेरेट निकाल लो। तो सबसे पहला जैसे 370 चैप्टर नंबर है ये 29, चैप्टर नंबर 29 सेक्शन कहां से जा रहा है, 372 से 394 तक के, ये तो आपको ध्यान देंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इन पे भी आते हैं, कौन से चैप्टर में अपील दे रखी है, कौन से चैप्टर में कहां से कहां तक दिया हुआ है, ये भी आता है। अब देखो क्या है, इनके टाइटल्स को हम पहले परफेक्टली तैयार करेंगे, कितने टाइटल हो गए, 72 से 94, कितने है, 22 या 23, अरे 94 भी जुड़ेगा, तो ये 23 नंबर्स हैं। इन नंबर्स में कुछ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक है 372 नंबर, इंपॉर्टेंट वाले पहले लिखता हूं मैं, ठीक है, 372 एक है,
376, एक है 379, एक है 389, और एक 394, एक दो तीन चार पांच। ये पांच सेक्शन के टाइटल याद करो। इसमें से आना एक ही क्वेश्चन है, अपील में से आएगा तो एक ही आएगा, क्योंकि पूरी सीआरपीसी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 15, तो हर चैप्टर में से भी एक नहीं आएगा। हर चैप्टर में मतलब एक चैप्टर में से दो क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। एक चैप्टर है ना, तो एक ही क्वेश्चन मान लो, पूरे हम जितने सेक्शन पढ़ेंगे उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो 37 चैप्टर हैं, तो 37 तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे इसमें से। वैसे क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा पहले ही कि कौन सा आएगा। पेपर तो पहले से ही हम पता कर देते हैं, क्योंकि इससे बाहर कहां आएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पहले बता दो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ही वो पूछते हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि वही काम आनी है। अब जैसे 372 है, तो 372 कहता है कि जहां प्रोविजन नहीं है, पहले हेडलाइन याद कर लो आप, इनकी हेडलाइन कितनी देर में याद कर लोगे, हाथ उठा देना मेरे को हो गई याद। जैसे 372 दे रखा है ना, तो 372 कहता है कि जब तक प्रोविजन नहीं है ना सीआरपीसी में, एक सामान्य सिद्धांत की बात करता है कि जब तक सीआरपीसी में या किसी कानून में प्रोविजन नहीं है तब तक कोई अपील, मतलब एक सिंपल सिद्धांत है, मतलब जहां लिखा हुआ है कि अपील सेल लाई देन अपील सेल लाई अदरवाइज सेल नॉट लाई। अपील के लिए लिखा हुआ है कि अपील होगी तो अपील होगी, नहीं तो अपील नहीं होगी। अपील होने का लिखा हुआ होना जरूरी है। क्या समझ में आई? अपील होने का लिखा हुआ जरूरी। लेकिन इसमें एक बात दे रखी है, ये बाद में प्रोविजन जुड़ा, पहले नहीं था, शुरू से नहीं था ये, कि जो विक्टिम है, कौन है विक्टिम, विक्टिम को इसमें अपील करने का राइट दे दिया। किसको? विक्टिम को। अब देखो पहले क्या होता था, मान लो मेरे थप्पड़ लगा दिया किसी ने एक, तो मैंने पुलिस को कहा, पुलिस ने पनिश करने के लिए जो प्रोसीजर था वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, और मजिस्ट्रेट ने क्या किया, 100 रुपए का जुर्माना लगा के छोड़ दिया। तो बोले क्या हुआ, मुझे भी पता चला कि 100 रुपए का जुर्माना, और अब वो मेरे को चढ़ाता है कि ले और कुछ कराएगा, 100 रुपए में थप्पड़ लगा दिया ना। तो फिर ऐसे जो लोग थे जिन्हें दुख होता था कि यार सजा कम हुई है, या ये दुख होता था कि छोड़ दिया कोर्ट ने, तो जो पीड़ित थे, पीड़ितों को इसमें 372 में पावर दी कि यू कैन अप्लाई द अपील अंडर सेक्शन 372। अब तीन आधार दिए, तीन कौन कौन से आधार दिए, पहला आधार था कि सजा एक्विटल कर दिया, किसी को छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया, तो दोष मुक्त आपने कर दिया तो सरकार के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई आदमी दोष मुक्त हो या दोष सिद्ध हो, सरकार ने तो प्रयास किया लेकिन सरकार को थोड़ी दुख हुआ, लेकिन पीड़ित को तो दुख होगा ना, तो पीड़ित को राइट दे दिया कि अब तुम अपील कर लो, तो पीड़ित आगे अपील में जा सकता है और ज्यादा सजा दिलाने के लिए। तो एक तो एक्विटल के विरुद्ध अपील थी, एक अपील थी कि मान लो अपर्याप्त सजा है, इनएडुकेट पनिशमेंट है, कैसा पनिशमेंट है इनएडुकेट, ऐसे पनिशमेंट में अपर्याप्त सजा में भी
पीड़ित को ये पावर दे दी। और तीसरी स्थिति इनएडुकेट कंपनसेशन, कंपनसेशन की सजा थी 100 रुपए की, लगा सकता था 10,000 लगाता, 9,000 लगाता तो थोड़े आदमी को संतुष्टि मिली, चलो थप्पड़ मारा तो 10,000 रुपए तो लगे, 10,000 का तो जुर्माना हुआ। तो इन तीन के आधार पर ये कौन सा सेक्शन था, 372। तो हमने यहां एक ही चीज पढ़ी कि जब तक प्रोविजन नहीं है तब तक अपील नहीं होगी और एक पीड़ित का अधिकार पड़ा। एक सेक्शन है इसमें 376, कौन सा सेक्शन 376 में ये कह दिया कि भाई इन इन मामलों में कोई अपील लाई नहीं करेगी, इन इन मामलों में कोई अपील नहीं होगी, अपील का अधिकार ही नहीं दिया, मना किया कि इन इन में नहीं होगी, लिख दिया। पहले तो वैसे ही 372 में लिखा हुआ था अपील नहीं होगी जब तक प्रोविजन नहीं है, इसने उल्टा लिखा, प्रोविजन दे दिया इस बात का कि इन मामलों में अपील नहीं होगी, अन्यथा तो लोग अपील में चले जाते। तो 376 क्या कर रहा है, अपील करने से रोकने का प्रोविजन है, किसका प्रोविजन है, अपील करने से रोकने का। तो अपील करने से रोकने का प्रोविजन है तो क्या है ये, जैसे मान लो कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, काय में चल रहा है, और हाई कोर्ट ने 6 महीने तक की सजा सुना दी, कितने सजा सुनाई, या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों, तो फिर ये कह दिया कि इसकी कोई अपील, यहां तो क्या था प्रोविजन के आधार पर अपील, 376 में क्या कहा, तो जहां हाई कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई या 1,000 रुपए तक का जुर्माना तो अपील नहीं, या ऐसे ही जैसे सेशन जज की क्या स्थिति है, कि सेशन जज ने तीन महीने, सेशन जज या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन दोनों के लिए कह दिया 3 महीने की सजा और या 200 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों सुनाए तो भी अपील नहीं होगी। एक ने कहा कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना, उसने क्या किया 100 रुपए तक का फाइन लगाया है तो कोई अपील नहीं होगी। इसके अलावा जो समरी ट्रायल है, कौन सी ट्रायल, समरी ट्रायल में कह दिया कि भाई 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया है तो कोई अपील, तो ये सेक्शन एक तरह से किसका था, नो अपील का सेक्शन था। तो एक तरह से दो सेक्शन आपने नो अपील के देखे, एक से का कौन सा 372 और 376, तो ये दोनों सेक्शन आपको याद हो गए क्या, ठीक है। दो सिद्धि के विरुद्ध अपील, किसके विरुद्ध अपील, तो दो सिद्धि के विरुद्ध अपील, तो जो भी आदमी दो सिद्ध किया जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपील्स पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया कि मान लो मजिस्ट्रेट की कोर्ट की अपील कहां होगी, सेशन में, सेशन की अपील कहां होगी, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की अपील कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्रिमिनल मैटर में हाई कोर्ट की अपील हो जाती है कभी कभी, एक है हाई कोर्ट के पास होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी है हाई कोर्ट के पास। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कौन सी है, मान लो हाई कोर्ट के पास एक सूचना मिलती है कि साहब ऐसे से मामला है, तो उस मामले के लिए
हाई कोर्ट क्या करता है, उस मामले को अपने सेशन जज से या किसी भी कोर्ट से उठा के अपने पास मंगा लेता है, क्या करता है अपने पास मंगा लेता है, और हाई कोर्ट खुद ट्रायल करने लग जाता है, क्या करने लग जाए, मामला कहां से मंगाया उसने, सेशन से या किसी भी कोर्ट से, नीचे से उठाया, अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट से उठाया और उठाकर खुद ट्रायल करना शुरू कर दिया। जब भी हाई कोर्ट ट्रायल करता है ना, तो उसके पास जो तरीका होता है ट्रायल करने का, वो होता है सेशन वाला। कौन से वाला? सेशन वाला ट्रायल का तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? सेशन के ट्रायल का तरीका होता है। जब वो सेशन के ट्रायल के तरीके को अपनाता है और फिर किसी को सजा कर देता है, तो उसकी अपील कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट। अब मान लो सेशन जज ने कोई भी सजा दी, कौन सी सजा, देखो उसने यदि सजा 3 महीने या 200 रुपए तक के जुर्माने की दी है, मान लो 2 महीने की सजा दे दी सेशन जज ने, तो देखो कोई अपील वपील नहीं हो रही, अब सजा काटनी है 2 महीने, 60 दिन जेल में रहना है या 90 दिन जेल में रहना है, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। वैसे उसका सॉल्यूशन है, वो एक्सेप्शनल कंडीशन में जा रहे हैं हम, उसका भी सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं सॉल्यूशन तो निकाल हर जगह से सॉल्यूशन निकाले हुए, उससे सॉल्यूशन पर बाद में जाएंगे, ठीक है। ऐसा कर दिया तो अपील नहीं होगी। अब सेशन जज ने कोई कन्विक्शन किया, क्या किया, कन्विक्शन किया, तो उसकी अपील कहां होगी? हाई कोर्ट। या एडिशनल सेशन जज, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एडिशनल सेशन जज और सेशन जज तो बराबर के हैं, उनमें तो कोई अंतर नहीं है, एक ही समकक्ष है, प्रशासनिक अंतर है कि भाई तुम जैसे क्लास के सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, एक को मॉनिटर बना दिया, मॉनिटर बना दिया तो अलग थोड़े हो गया, एक जैसे ही है सारे। तो जो हेड पोस्ट है जस्ट लाइक मॉनिटर, मॉनिटरिंग की ही है, वो मॉनिटर करते हैं वो, तो उसकी अपील भी कहां होगी? सारे सेशन की, चाहे वो एडिशनल सेशन जज हो चाहे सेशन जज हो, उसकी अपील कहां होगी? हाई कोर्ट। यहां पे मैंने असिस्टेंट सेशन जज की भी होगी, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज को जानबूझ के छोड़ दिया है। अब बात आती है कि मजिस्ट्रेट्स की, तो मजिस्ट्रेट की सारी अपील, मजिस्ट्रेट की कोर्ट की अपील कहां होगी? सेशन जज के। किसकी कोर्ट की अपील? मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स की अपील सेशन जज के होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने कि यदि सजा कितनी हो जाए, 7 साल या उससे ऊपर की, 7 साल ऊपर की, अब कौन सजा कर रहा है 7 साल या उससे ऊपर की? मजिस्ट्रेट कर रहा है, मजिस्ट्रेट 7 साल या उससे ऊपर की सजा मजिस्ट्रेट ने कर दी, तो अपील अब सेशन में नहीं होगी, अब सीधे कहां चली जाएगी? हाई कोर्ट। समझ में आया? ये एक ट्विस्टिंग बात है, ये घुमावदार बात है। अभी जनरली क्या हमने समझाया था कि मजिस्ट्रेट की सारी कोर्ट्स की अपील सेशन जज के होगी, लेकिन सजा 7 साल या उससे ज्यादा है, या एक मामला है, मान लो जैसे 4 अभियुक्त हैं, 4 में से उन्हें तो 6-6 महीने की या 1-1 साल की सजा दी, तो उनकी अपील तो कहां हो गई? सेशन में होनी चाहिए। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको दे दी 10 साल की सजा, कितने सजा? मजिस्ट्रेट ने 10 साल की सजा दे दी, तो बाकी जो बच गए वो अपील, ऐसा थोड़ा होगा नहीं कि भाई कुछ लोग एक ही जजमेंट के, कुछ लोग अपील सेशन कोर्ट में करेंगे, कुछ लोग हाई कोर्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो चूंकि एक को ज्यादा सजा दे दी है, तो सारे कहां जा सकते हैं? सीधे हाई कोर्ट, सबको हाई कोर्ट जाने का मौका। तो फिर 389 में क्या है, सिंपली आप समझो,
क्या होता है कि मान लो जैसे सजा हो गई है ना, सजा हो गई किसी को, और सजा के बाद तो जैसे आज आदमी खड़ा है, सजा हो गई तो सजा हो गई तो वहां चालान गार्ड भी खड़े रहते हैं, तो सजा होते ही आप तो सोच के आए थे कि अभी एक्विटल कर देंगे और वहां पर कह दी सजा, तो सजा बोल दी तो पता लगा कि चालान गार्ड खड़ा है, वो खट से पकड़ लेगा और जेल भेज देंगे, उठा के वहां से वापस थोड़ी आ सकते हैं। अभियुक्त को बुलाया जाता है उस समय, उसको पता थोड़ी होता है कि क्या होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में एक बेल एप्लीकेशन तत्काल, तो उसी कोर्ट से कहा कि सर ठीक है आपने सजा कर दी, मुझे अपील का टाइम दिया जाए, ये मेरी बेल एप्लीकेशन। तो हम यहां क्या कह रहे हैं, अपील तक का टाइम दे दो हमें। क्या कह रहे हैं? अपील तक का टाइम दे दो, बेल दे दो, और अपील में हम अपील वाली कोर्ट से मांगेंगे कि साहब आपके यहां हम अपील कर देते हैं, और अपील में जो होना हो वो हो जाएगा। यदि अपील में हमारी सजा होती है तो हम भुगतेंगे, और नहीं होती है तो अभी तो हमें क्यों भेज रहे हो जेल। बात भी सही है। तो वो फिर अपील वाले न्यायालय के पास उस सेंटेंस को सस्पेंड कराने के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। समझ में आया? SOS SOS समझ में आ गया? जब भी सजा हो जाती है तो उसी न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करते हैं, और जब तो पहले उससे ले लिया, फिर अपील कर देते हैं, और अपील में SOS की एप्लीकेशन लगा देते हैं कि सर हमें अभी हमने अपील कर रहे हैं, अपील के बाद फिर आप जब अपील का निस्तारण हो जाए तब आप हमें जो भी डिसीजन हो हम उस डिसीजन को मानेंगे। दोनों कोर्ट में लगती है, बताई ना अभी तेरे, मैं तो अभी एक्ट में ही नहीं गया, एक्ट में समझाया नहीं, मैंने तो वैसे ही सिंपल समझाने की कोशिश की है। देखो लॉ को बहुत सिंपल और कॉमन सेंस से समझने की कोशिश किया करो, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से, तब ये दिमाग में बैठेगी। डायरेक्ट उसे पढ़ते ना बेर एक्ट को, तो बेर एक्ट को पढ़ने के बाद कितना बाउंसर चला जाता पता ही नहीं, 70% तो बाउंस चला जाता, उसमें से कुछ पदले पड़ जाए। चार्ट को मैंने बहुत ब्रीफ करके लिख दिया है, एक 373 दिखाई दे रहा है आपको, इसकी हेडलाइन पढ़ लो। देखो 373 में एक लाइन का है 373। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अभी दिखाए थे ना यहां पे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखे हुए थे है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 117 121 लिखाया था ना, तो 117 का ऑर्डर या 121 का ऑर्डर, 117 का ऑर्डर सो कॉज नोटिस कि भाई क्यों ना आपसे प्रतिभूति ली जाए। तो यदि ऐसा नोटिस आया है आपके पास तो आप क्या करोगे, सीधे सेशन जज के यहाँ जाओगे कि नहीं देनी हमें अपील, इस नोटिस को रद्द कर दिया जाए तो सेशन जज उसे रद्द कर सकते हैं या मना कर सकते हैं, मना कर दिया तो देनी पड़ेगी, या आपने रिफ्यूज ही कर दिया कि नहीं दे रहेगी, ठीक है। तो उसकी अपील जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे उनकी अपील कहां होगी, सेशन जज के। तो 373 का सिर्फ क्या पढ़ लो, हेडलाइन पढ़ लो पक्का बस, और उसके नीचे एक सौ इक्कीस 117 का ऑर्डर ध्यान रख लेना, बाकी थ्री सेवेंटी फोर मैंने बता दिया। थ्री सेवेंटी फोर मैंने कैसे बताया था, 374 देख लो एक बार, 374 यहां पे हाई कोर्ट की अपील अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ऑर्डिनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कौन सा एक शब्द लिया मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, हिंदी हाँ असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारता।
तो ये कौन सी अधिकारिता होती है? मैंने अभी आपको बताया था, नीचे से मामले को मंगाया और खुद ट्रायल कर ली उसकी। तो हाई कोर्ट की एप्लीकेशन कहां जा रही है? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो एक चीज समझने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती है, जैसे एक अपील होती है एसएलपी, नाम सुना है आपने? ये एसएलपी, इसका कोई आर्टिकल है क्या? 130। हाँ देखो इसको 136 पता है, 136 में होती है ये एक अपील का। ये इसमें जो अपील होती है ना 136 में, जैसा का नाम है स्पेशल लीव पिटीशन, लीव मतलब परमिशन, अनुमति, विशेष अनुमति याचिका, इसमें मजिस्ट्रेट की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। किसकी अपील? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। एसएलपी किसी भी ऑर्डर की जा सकती है। बात समझ में आई? हाँ, एसएलपी में कभी कभी कह सकती है कोर्ट जाओ, अभी हाई कोर्ट जाओ, यहां जाओ, लेकिन एसएलपी हो किसी के ऑर्डर की सकती है, किसी भी देश के किसी भी निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर उसमें की जा सकती है, इसी को 136 बोलते हैं। समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट में 136 में होती है। बाकी फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगी, उसके लिए प्रोविजन दे रखे हैं। जैसे मृत्यु दंडादेश दे दिया है, कौन सा दंडादेश दे दिया है? मृत्यु दंडादेश दे दिया है, तो मृत्यु दंडादेश दे दिया, तब मृत्यु दंडादेश दे दिया है तो उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। तो ये प्रोविजन कहां दे रखे हैं? जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो क्रिमिनल अपील कैसे कैसे होती है, तो वहां प्रोविजन दे रखे हैं क्या कैसे अपील होगी। यहां हमने क्या पढ़ा 374 में, तो हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन अपना लिया, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, चाहे मामला छोटे से छोटा हो। कैसा हो? छोटे से छोटा हो, छोटा मामला है लेकिन नीचे हाई कोर्ट ने मंगाया और हम सुनेंगे इसको, और ट्रायल की और कन्विक्शन कर दिया, तो कहां जाएगी अपील? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही सेशन जज की अपील हाई कोर्ट में। 376 को छोड़ देना और इन मजिस्ट्रेट्स की अपील सेशन में, ठीक है। अब देखो यहां सेशन में जो जा रही थी ना, यहां पे थोड़ा सा बाकी हमारे है नहीं, फिर भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन, असिस्टेंट सेशन जज, हाँ वो एक नई व्यवस्था है क्यूरेटिव पिटीशन की, वो केस लॉ से आई हुई है और प्रोविजंस में नहीं है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन नाम का शब्द कहीं है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यूरेटिव पिटीशन नाम का कोई शब्द नहीं है, सीआरपीसी में भी नहीं है। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से आया है के रेयर टू रेयरेस्ट गलती की संभावना हो, और उसमें भी बहुत अलग व्यवस्था है, कम से कम दो सीनियर एडवोकेट भी ये कहें कि हाँ इसमें गलत जजमेंट है, वो अलग चीज है, उसके डायरेक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए, वो छोड़ दो। तो ये सेशन की यहाँ जा रही है। अब आपने एक चीज देखी थी, मजिस्ट्रेट की भी अपील हाईकोर्ट में जा रही थी, कहाँ जा रही थी? 7 साल या उससे अधिक की सजा, या किसी अन्य व्यक्ति की भी उसी मामले में सजा। दो बात समझ में आई नहीं, 7 साल या अन्य व्यक्ति की सजा, ये 37, ये मैं बता चुका 374, 375 सिंपल है। हाँ एक चीज और है इसमें, ये बाद में जुड़ी है 2018 के अमेंडमेंट से, कभी देखो फास्ट ट्रायल के लिए व्यवस्था की है कि जो रेप की अपील आएगी ना, रेप के मामले की जो अपील है 376 और ए और बी सी डी
वो सारे के सारे उन मामलों में 6 महीने में डिस्पोज ऑफ करनी होगी अपील। ये 375 में दे रखा है, वो 374 में दे रखा है। किसमें दे रखा है? 374 में दे रखा है। अब देखो 375 क्या है, 374 सबके समझ में आ गया। 370 या रेप वाला अपील भी कर देना, यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखनी है, दो तरह के महिलाओं के समस्त यौन अपराध नहीं आए हैं इसमें, ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं है इसमें। पहले जो सेक्शन आपने पढ़े हैं उनमें आपने क्या देख रहे थे, 354 वाले भी साथ साथ आ रहे थे, यहां नहीं आए। केवल और केवल जो रेप के केस हैं, रेप वाले केसेस में अपील का डिस्पोजल विद इन 2 मंथ करना पड़ेगा, 2 महीने में डिस्पोज ऑफ होगी अपील, 2 महीने में फटाफट ट्रायल कर ली जाएगी। हाँ सॉरी, 6 महीने में, मेरे से कितने दिन में? 6 महीने में, 6 महीने, दिमाग में 6 चल रहा है और बोलने में ऐसी गलतियां हो जाती, स्लिप ऑफ टंग। अब मेरी जो जगह गलती क्या है, मोदी जी की हो गई, लड़की पढ़ाओ की जगह क्या बोला था उन्होंने अब ये स्लिप ऑफ टंग आजकल नेताओं की बहुत हो रही है। जन कौन सा भी कोई मुख्यमंत्री था, तो उत्तराखंड का है कि हमारे यहाँ की इमारती लकड़ी बोलनी थी उसको हमारे यहाँ की इमारती लकड़ी की जगह पे लड़की शब्द बोला, बहुत ही अच्छी होती है तो ये 6 महीने हैं। तो ये 2 महीने कहां से आया शब्द मेरा, किस और था क्या 2 महीने में? काय में उच्चालन के संबंध में, तो 2 महीने और 6 महीने दोनों ध्यान रखना। अपील 6 महीने और वो ट्रायल कितने दिन में कंप्लीट करनी है, तो 2 महीने और 4, वो 6 महीने अपील मैक्सिमम 6 महीने। अब देखो 376 मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। अब देखो इसमें एक चीज थी, 376 में एक चीज और थी, क्या थी कि इसमें यदि इनके साथ में, जैसे 6 महीने के साथ में कोई और दंड मिला दिया है ना, तो अपील हो जाएगी। अन्य दंड मिलाने पर साथ में एक और बात है कि मान लो जैसे किसी भी मामले में ए बी सी डी ऐसे करके 3-4 लोग हैं, तो इसको तो आपने अपील का प्रोविजन, मान लो इसको सजा ज्यादा दे दी, इसको सजा दी आपने 8 महीने और इनको 3-3 महीने, तो इनको भी ये, इनको भी अपील का राइट मिल गया। एक को मिलेगा तो दूसरों को भी मिल जाएगा। ये 376 है। फास्ट पढ़ लो अपने अपने बैरक में। एक का सेक्शन 375 नहीं बताया ना, 374 बताया था, 375 भी रह गया बीच में।
देखो यहां पे प्लीड्स गिल्टी, कोई आदमी स्वीकार कर ले कि मैं ही हूं, मैंने ही किया है अपराध। देखो चार्ज का ध्यान आ रहा है आपको, जब चार्ज लगाते थे तो चार्ज में क्या कहता है जज, मैं आप पर यह आरोप लगाता हूं, आप स्वीकार करते हो या, तो वो कहेगा हाँ जी मैं स्वीकार करता हूं मैंने किया अपराध। अब मान लो तूने स्वीकार कर लिया तो थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के छोड़ देगा, उसने पूरी सजा ठोक दी, उन्होंने कहा ले स्वीकार कर, तो यह कहता है कि अपील तो नहीं होगी उसके आधार पर। लेकिन दो बातें हैं कि दंड के परिमाण पर, कि आपने कौन सा दंड देना था और कैसा दे दिया, और उसकी मात्रा पर पनिशमेंट अपील हो सकती है। मतलब आपने तो ये सोच के किया कि कोई जुर्माना ही लगाएगा मेरे ऊपर जज, और उसने पूरी की पूरी सजा लगा दी, तो क्या हुआ ये 375 में, तो 375 में क्या नहीं होती, अपील नहीं होती। 375 भी अपील न होने का है, भाई तुम स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मैंने ही अपराध किया है तो अपील नहीं होती। लेकिन इसका भी जो है परंतुक है, तो परंतुक में दो बातें लिखी हुई हैं, किन किन आधार पर नहीं, किन किन के आधार क्या है, अरे उच्च न्यायालय की बात नहीं, यहां तो अपने दंड के परिणाम और उसकी वैधता, एक्सटेंट और लीगलिटी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ वो उससे मतलब नहीं है, देखो दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो इसने कहा कि यदि हाई कोर्ट ने कर दी सजा, हाई कोर्ट में कोई आदमी स्वीकार करता है, ये कहना चाह रहे हैं हाई कोर्ट में कोई स्वीकार करे कि हाँ सब मैंने जुर्म किया था, और फिर हाई कोर्ट ने कोई सजा की तो उसकी तो कोई अपील नहीं होगी। लेकिन मान लो नीचे की कोर्ट में की जुर्म स्वीकार किया तो भी कोई अपील नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ होगी तो किस आधार पे, एक्सटेंट और लीगलिटी, एक्सटेंट और लीगलिटी के आधार पे हो जाएगी कि साहब बहुत ही ज्यादा सजा दे दी। हाँ 370 में क्या बता रहे हैं, भाई एक बात नहीं, अभी मैंने आपको एक सेक्शन बताया था 374 के साथ ही 377 को जोड़ो, क्या है कि दो सिद्धि हो गई, लेकिन दो सिद्धि में मान लो सजा कम हुई तो 372 में तो आपने बताया था कि साहब अपील में पीड़ित जा सकता है, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था ना एक, हाई कोर्ट में अपील आई बम धमाकों वाली, और हाई कोर्ट ने क्या किया कि जिन अपराधियों को पुलिस ने अपराधी बना रखा था उनको दोष मुक्त कर दिया, उन्होंने कहा ये है ही नहीं अपराधी। और चुनावों में यह मुद्दा उछला, दूसरी पार्टी ने कहा कि आपने पैर भी अच्छे से नहीं की इसलिए हाई कोर्ट से छूट गए, सरकार बदल गई, और पहली सरकार ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी,
खारिज कर दी, तो अब दूसरी सरकार ने तो अच्छे से पैरवी की होगी ना। तो जो दंडादेश, देखो यहां पर क्या है, सेंटेंस के विरुद्ध है, वो कन्विक्शन के विरुद्ध थी। कन्विक्शन और दंडादेश समझ लो सजा, सेंटेंस और कन्विक्शन समझते हो क्या अलग अलग? दो सिद्धि दो, मतलब ये मान लिया कि हाँ ठीक है ये अपराधी है, सेंटेंस कितना, दंड का आदेश, दंडादेश, दंडादेश क्या है, दंड का आदेश कितना, पनिशमेंट सेंटेंस कितना, उसके विरुद्ध अपील है वो। 377 किसके क्या शब्द प्रयोग किया है, दंडादेश, 377 क्या यूज किया है, और 374 में कन्विक्शन, दोनों शब्द समझ में आ गए क्या? अब दंडादेश के विरुद्ध कौन जा रहा है, यहां स्टेट जा रहा है, 377 में कौन जा रहा है, स्टेट, समझ में आया? अब जस्ट पढ़ो एक बार 377, पढ़ लिया, देखो एक लाइन का ही ध्यान रखो जो आपको ध्यान रखना ही है। 377 में सरकार इसलिए जा रही है कि देयर इज नो सफिशियंट सेंटेंस, दंडादेश पर्याप्त नहीं है, क्यों जा रही है, दंडादेश पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, मान लो दंडादेश अपर्याप्तता के आधार पर, इनसफिशियंट सेंटेंस के आधार पर आप जा रहे हो, तो मजिस्ट्रेट की अपील सेशन के, सेशन की अपील हाई कोर्ट में, सिंपल है, मजिस्ट्रेट की अपील सेशन में और सेशन की हाई कोर्ट में। और तीसरी बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है सेक्शन में, वही 376 वाले मामलों का डिस्पोजल अपील में 6 महीने में ही होगा, 376 वाले मामलों का डिस्पोजल अपील में 6 महीने में ही होगा। अब देखो एक बार नोट्स निकालो आप, एक बार आप नोट्स निकालो, सी द नोट्स प्लीज। मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये इनमें क्या किया, चार्ट बना के 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट में ग्राउंड दिया हुआ है, मतलब कोई अपील अधिकार नहीं है, ठीक है ना, अपील सिर्फ तभी तक अधिकार है जब तक के प्रोविजन दे रखे हैं। तो 372 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब तक प्रोविजन नहीं है तब तक कोई अपील नहीं होगी, ये पुराने केस हैं, अब इन केसेस की यूटिलिटी खत्म हो गई, कोई अपील नहीं होगी। यहाँ पे सेक्शन लिख दिए, एक तो 372 में, 375 में और 376 में, ये तीनों सेक्शन हमने एक साथ ले लिए थे ना, इनमें अपील क्यों नहीं हो रही, 376 में तो छोटे मामले हैं और 375 में कोई कन्विक्शन प्लीड्स गिल्टी और 372 में प्रोविजन नहीं है। यहीं पर 376 लघु मामले कौन से होते हैं वो लिख दिए मैंने। अब देखो दो स्थितियां हैं, अपील कौन जाएगा अपील में, एक तो एक्यूज जाता है, जिसे दो सिद्धि की अपील कह रहे हैं हम, कौन जाता है, दो ही तो पार्टी है, एक स्टेट है एक एक्यूज्ड है, तो एक्यूज्ड जा रहा है, तो एक्यूज्ड जाता है तो उसके सेक्शन हमने एक जगह लिख दिए। तीसरा पॉइंट देखो, अभियुक्त द्वारा अपील, तो अभियुक्त कहां कहां बने, 117 121 में बने, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपील थी, फिर दंडादेश के विरुद्ध 374 में गए,
थोड़ा सा यहां पे एक लाइन सही करिएगा, 374 में 374 नहीं है, यहां दंडादेश के विरुद्ध अपील, ये है ना दंडादेश के विरुद्ध अपील, तो यहां पर दो सिद्धि कर लो आप 374 में, दो सिद्धि के विरुद्ध अपील। अब दो सिद्धि की अपील कैसे कैसे होगी ये मैंने लिख दिया, ये सिंपल थी सेशन जज के इनके ठीक है। यहां पर एक हट्टे ही आपने देखा कि एक दो तीन चार पांच छह सात पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें अभियुक्त कब कब अपील में जा सकता है, सारी एक लिस्ट बना दी है, ये इतना ही आपको ध्यान रखना, इस चार्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। जैसे मैंने इसको 136 बताई दी आपको, सिक्स में 375 दे रखा, ये सब बता दिए मैंने, समझ में आया। देखो क्या है इसमें, नीचे से आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ था, फ्री हो गया था और सरकार गई। जैसे मान लो नीचे की कोर्ट बम धमाके वालों को फ्री कर देती, सरकार जाती कहां, हाई कोर्ट, और सरकार उनमें से किसी को मृत्युदंड किसी को आजीवन कारावास की सजा सुना देती, हाई कोर्ट सुना देता, और हाई कोर्ट ने जब सजा सुना दी तो उनके पास पूरा ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट जाने का। ये कौन सा सेक्शन है, 379 पढ़ लिया आपने, मतलब क्या समझ में आया कि नीचे एक्विटल हो गया था, क्या हो गया था, एक्विटल हो गया था, और उसका हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया, और हाई कोर्ट ने कोई छोटा मोटा कन्विक्शन नहीं किया, एलआई और डेथ पेनल्टी सुना दी है, या 10 साल से अधिक की, मतलब 10 साल से अधिक की अवधि का या डेथ का या एलआई की सजा सुना दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी एसएलपी के किसी के सीधे ही 379 में सुप्रीम कोर्ट में अपील है, ये इसमें अपील है सुप्रीम कोर्ट में 379 की अपील, समझ में आ गया ये 379 की। अब देखो राज्य द्वारा अपील, तो राज्य में तीन अपीलें लिखी हुई हैं, ठीक है, एक तो 377 ही दे रखा है जो अपर्याप्तता के आधार पर थी जो मैंने अभी डिस्कस किया, फिर सेकंड में देखो आप, जब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया है तब अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, जैसे नीचे ही कोर्ट ने सेशन कोर्ट ने, या अब देखो एक और है, जैसे मान लो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किसी का एनआई एक्ट का केस चल रहा है, किसका केस चल रहा है, एनआई एक्ट का केस चल रहा है, एनआई एक्ट में मजिस्ट्रेट ने 2 साल की सजा सुना दी, 2 साल की सजा सुना दी, तो अभियुक्त तो जा सकता था कहां, सेशन में, ध्यान रखना, लेकिन मान लो उसने दोष मुक्त कर दिया, क्या कर दिया, तो अब सेशन में नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, क्या समझ में आई आपके, कि अभियुक्त को तो एक तरह से दो अपॉर्चुनिटी दी, पहले सेशन में चला गया, सेशन में अपनी ट्रायल करा ले, फिर जाके हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन दूसरी पार्टी को
दूसरी पार्टी को क्या दिया कि यदि दोष मुक्त कर दिया है ना किसी आदमी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने, तो उसके दोष मुक्ति की अपील सेशन में नहीं होगी, कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। है कौन से मामले में? राज्य सरकार को वो अलग पॉइंट है, वो पॉइंट पे मैंने आया नहीं अभी। एक पॉइंट और है ना इसमें, राज्य सरकार वाला तो हाई कोर्ट का ही है ना। हाँ, राज्य सरकार हाई कोर्ट जाएगी। अब बात आती है कि डीएम को इन्होंने एक पावर दे रखी है जिला मजिस्ट्रेट, कि जिला मजिस्ट्रेट चाहे तो, अब जिला मजिस्ट्रेट तो सरकार का ही प्रतिनिधि है, तो जिला मजिस्ट्रेट चाहे तो वो सेशन जज के यहाँ पे, समझ में आ गया? देखो 378 का क्लॉज 1, जैसे इसने कहा माविन ने अभी, सर दोष मुक्ति से अपील मजिस्ट्रेट डीएम के करा देता है, इसमें क्या है? 378(3) है, वो कौन सी है? 378(3) में कहा है कि यदि मजिस्ट्रेट ने कह भी दिया है ना डीएम ने कि साहब ये तो आप तो अपील पेश करो, तो यहाँ हाई कोर्ट में जो अपील होगी उसकी बिना इजाजत के नहीं होगी। हाई कोर्ट में एक तरह से ये एसएलपी है। क्या है? एसएलपी। एक एसएलपी तो आपने देखी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये एसएलपी क्या है? 378(3) में दे रखी है कि जहां हाई कोर्ट की अनुमति से अपील होगी, पहले आपको परमिशन के लिए लगानी पड़ेगी कि वी वांट अपील बिफोर बिफोर द कोर्ट, तो फिर वो परमिशन देंगे, परमिशन के बाद लगेगी। तो कभी कभी सीधे सेक्शन ही पूछ लेता है 378(3), लेकिन ये कौन से वाले मामलों में? 378(1) वाले मामलों में। हाँ, 1 और 2, 378(3) देखो एक बार। हाँ, उसी के लिए तो हाई कोर्ट से, तो उसी की मांगोगे ना, हाई कोर्ट से दूसरे की कोर्ट की कैसे मांगोगे? देखो यहां क्या लिख दिया, अपील के लिए आपको परमिशन लेनी है। जैसे ही इसी तरह की अपील के लिए परमिशन, जैसे एसएलपी भी क्या है? अपील की परमिशन ही है।